नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस नाइट भाई पेंशनर्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। मोदी जी प्रणाम, हम इस भूमि के सेवानिवृत्त निजी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं। हमें ₹33.33 प्रतिदिन पेंशन मिल रही है, अर्थात ₹1,000 प्रतिमाह। जरा सोचिए कि दो बुजुर्गों पति पत्नी के लिए यह काफी है। हिंदू शास्त्र का सिद्धांत सर्व भवंतु सुखिने, क्या आप सोचते हैं कि हम प्रसन्न हैं? हम सरकार से भीख नहीं मांगते, हमने सेवा काल के माध्यम से इसका भुगतान किया है, लेकिन सरकार एक भिखारी की तरह व्यवहार कर रही है। जी हां फ्रेंड्स, केवल हिंदू संगठन और पत्थर के देवी देवताओं की पूजा करने से कभी मनुष्य को पवित्र नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक आत्मा भगवान का प्रतिनिधि है। हम असहाय लोग रो रहे हैं, आपकी गतिविधियों का परिणाम अन्यथा होगा, क्योंकि हम अपने दिनों को आंसुओं से गुजर रहे हैं। धन्यवाद। ये बात कहनी है एक ईपीएस 95 पेंशनर की, जिनकी मांग है मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए, जो कि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उनका खुद का हक है। तो इनकी बात जल्द से जल्द सुनिए और इस वीडियो के आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।